कुछ ऐसा एडवांटेज वाली चीज। तो गाइस वेलकम बैक हो गया सभी लोग एक और बार अंशुभिष में, और आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही ज्यादा हार्ड चैलेंज। कहने का मतलब मैंने बहुत सारे तरीके से माइनक्राफ्ट को बीट किया है, पर ये वाला सच्ची बताओ तो मुझे भी डर लग रही है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक चंक दिखेगा ब्रो, मतलब 16x16 ब्लॉक का एरिया और कुछ नहीं भाई। लिटरली ये देख रहे हो तुम लोग, चारों तरफ सिर्फ वॉइड दिख रही है, और हमें अगर अगला चंक लोड करना तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा। हो सकता है कि इस सेट को खाई हो और हम एकदम से आ जाएं, तो ये बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, और हमें ऐसी कठिनाई में इसको डिफीट भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ खेल रहे हैं, हमें इसे हराना भी है। तो ये बहुत खतरनाक चैलेंज होने वाला है, बट वी लव चैलेंजेस। तो भाई मैं तुम लोगों को बताता हूं, इस बार का लाइक गोल है गाइस 1.5 लाख लाइक्स का, तो जिसने भी लाइक नहीं करा है प्लीज लाइक मार देना, और बाकी जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। 830K हो चुके, वी आर एमिंग फॉर 900K नेक्स्ट, तो जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी गाइस इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस चलो वही हम लोग स्टार्ट जैसे करते हैं, जल्दी से करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में तो अपने लिए वही वुडन टूल्स बनाएंगे वो सब, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपने लिए आयरन ढूंढना है। देखो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया और मैंने जाते वक्त देख लिया था कि हमारे लेफ्ट साइड पे भी वॉल है, मतलब वॉल मतलब वही की ग्रास लैंड है। तो हम लोग को पता है हमारे बगल में तो वो नहीं है कि हम लोग कहीं गिर जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट से अपने लिए टूल्स बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हमें ढूंढनी है एक विलेज, ठीक है, सीधी बात है। अगर हमें जल्दी से जल्दी गेम डिफीट करना है तो हम लोगों को एक विलेज तो चाहिए ही होगी, ठीक है। तो हम लोग अपने लिए पहले नॉर्मल से टूल्स बनाए थे, वैसे मैंने गलती ये कर दिया है बट ठीक है, अभी के लिए ये कर देते हैं और एक ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये किया हमने, फिर उसके बाद ये बनाते हैं, बस अभी के लिए ये दो चीजें अपने साथ रखते हैं, ठीक है, और बाकी हमको वुड की इतनी जरूरत नहीं है। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि कहीं पे विलेज ढूंढने की, ये बहुत ज्यादा कठिन रहेगा। ओके बच गए भाई, और ये पता नहीं अजीब सा अटक भी गया था भाई, यार ऐसी चीजों से इतना ज्यादा डर लगता है ना ब्रो। ओ बकरी गाइस, यस ओके ओके, रात को मरने का डर नहीं है। ओ भाई मेरा चिकन, ओके वो एक और बकरी, और कहीं से और भी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब मेरे अगल बगल भी कहीं पे बकरी तो है, ठीक है। तो हम लोग को वो करना, पहले तो हम लोग उस वाली बकरी को लेने चलते हैं, ठीक है भाई। वो हमको कैसे दिख रही है मेरे को पता नहीं है, बट ठीक है यार दिख रही है तो फटाफट जाते हैं और इसका वूल लेते हैं। हम लोग के पास एक वूल हो चुका है, हम लोग को 3 वूल एटलीस्ट ही होगा अगर हम लोग को रात को रेस्ट करना है। ब्रो लिटरली एक बकरी तक पहुंचने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। अब हम लोग एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले ना थोड़ा सा हम लोग ये वुड जमा करना, स्टोन जमा करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अगला लेवल वही है कि हम लोग को फटाफट से अपने स्टोन के टूल्स बनाने और ढूंढना है एक विलेज। तो मेरे को तो 2 मिनट फटाफट से मैं स्टोन कलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो गाइज हम लोग का काफ़ी स्टोन कलेक्ट हो चुका है, अब हम लोग फटाफट से पहले ना स्टिक्स बनाते हैं और अब स्टोन के जितने टूल्स हो सकते हैं वो बनाते हैं। 2 पिकैक्स बना रहा हूँ मैं अपने लिए, 1 एक्स बना रहा हूँ, 1 शवल और 1 हो बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इन केस अगर बाय चांस हमको मिल जाता है एक क्या कहते हैं विलेज, तो हम लोगों का थोड़ा सामान निकालना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए तो देखो ये कर दिया, तो हम लोग इसको फर्स्ट पे रखते हैं, इसको सेकंड पे रखते हैं, और यस अब बचे हुए स्टोन से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग अपने लिए बनाने वाले हैं एक फर्नेस, ठीक है, और इस फर्नेस का हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। देखो मेरे पास एक बहुत ही क्रेजी आइडिया, ठीक है, लेकिन एक कन्फ्यूजन अभी भी है कि अगर हम लोग ना ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, समझ लो कि अगर कोई ब्लॉक लगा हुआ है हम लोग उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये बहुत कठिन होने वाला है हम लोगों के लिए माइनिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों को आयरन अगर निकालना होगा तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा हम लोगों के लिए। ओके तो दोस्तों हम लोगों को ये क्या मिला है ब्रो, आई गेस ये केव है, आई होप मैं इसमें गिरूँ ना भाई, वॉइड दिख रहा है यहाँ से मेरे को सही में। ओके ओके भाई प्लीज गिरना नहीं, यस हम लोग को आयरन मिल गया ब्रो, भाई देख रहे हो तुम लोग हम लोग को वॉइड के आर पार दिख रहा है। तो गाइस मैं फटाफट से आयरन उठाता हूँ और जल्दी से इसको भाई स्मेल्ट वेल्ट मारते हैं, यार बस यही दिक्कत है, ये देख रहे हो सकता है कि इसके बगल में आयरन हो पर हम लोगों का भी वो आयरन मिलेगा नहीं, ठीक है, अगर वो होगा तो, क्योंकि हम लोग उसको खोद नहीं सकते और ना ही हम लोग जा सकते, तो यही हमारी कुछ चैलेंजेस रहेंगे। और भाई यहाँ पर ना कहीं पर क्रीपर रीपर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो हम इंस्टेंट फटेंगे, ठीक है। ओके तो दोस्तों हमारे पास एटलीस्ट एक क्या कहते हैं एक हमारी वो बनाने, अरे यार पिगू भाई 2 मिनट दे दो यार, ठीक है, तो हमारे पास एटलीस्ट एक शील्ड
बहुत डरावने, देख रहे हो तुम लोग, ऐसा दिख रहा है कि हम लोग वर्ल्ड में गिरने वाले हैं, बट फिर एकदम से जमान दिख जा रहा है, जगह दिख जा रही है, तो वो बचा ले रही है हमको। ठीक है, तो हम लोगों को जल्दी से लूटना है, और लूटना भाई एक नॉर्मल, लिटरली एक नॉर्मल विलेज लूटने से इतना ज़्यादा कठिन है ना इसको लूटना, मैं क्या ही बोलूँ। ओके, हम लोग को एक विलेजर दिख रहा है, हम लोग सबसे पहले इस विलेजर का सामान देखो थोड़ा बहुत। ठीक है, हम लोग अपने लिए वाटर बकेट जैसे मैं बता रहा था वो करते हैं। ठीक है, तो ये एक बैरल बना लेंगे और इसको अपने साथ ही लेके चलते, क्योंकि मेरे पास वुड की थोड़ी कमी चल रही है अभी। ठीक है, अब हम लोग वो विलेजर को पकड़ते हैं जो वो उधर घूम रहे हैं। भैया इधर आमू, ये देखो, जॉब भैया, आवाज आई मेरे को भाई, यहाँ पर वो नहीं है क्या भाई, यहाँ पर कुछ तो, ओ भाई, यस, ये रहा। अच्छा, नहीं तो फिशरमैन है, राइट। ठीक है, ये वैसे भी बेकार चीज़ें दे रहा है, रुको जरा मैं इसका तोड़ता हूँ। देखो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि मैं इसको फिशरमैन क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना मेरे को एक और जने को बनाना है, वो है क्या कहते हैं हमारा फार्मर। ठीक है, हम लोग को एक फार्मर चाहिए होगा, और उसके बाद ही आगे काम हो पाएगा। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग इसको बनाएंगे पहले फार्मर। ठीक है, अगर बन जाएगा तो भाई, यार देख यार, बदतमीजी मत कर यार, ब्रो थोड़ा काम धंधा सीख ले। फार्मर आ जाओ, आ गया, लेट्स गो। हम लोग बस अब जो इनसे ही हेबे लिया था इन्हीं को भेज देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, सिर्फ 3। इसने ले लिया क्या, इसने मेरा वो उठा लिया क्या। ठीक है, तो हमको सिर्फ 3 चाहिए था। अब देखो, अब हम लोग उस बैरल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अभी तुमको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, क्योंकि ये वन चंक वाले में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन देखो, हम लोगों को बिना कुछ करे वाटर बकेट, मतलब बिना कुछ करे भी नहीं, बट यस, थोड़ा कम मेहनत करके वाटर बकेट मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, अब हम लोग बस ये वाटर बकेट को हम कहीं पे सही जगह पे छोड़ देंगे, और फिर पानी वानी निकालेंगे। देखो, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ताकि ये मछली जिंदा रहे। ठीक है, चलो अब हम लोग बस पानी वानी ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते। गाइस यार, विलेज तो व्हाट, मेरे को लगा क्या आ गया एकदम से। ओके, तो गाइस विलेज तो काफी पीछे आ गई है, बट यार हम लोगों को लिटरली पता है कुछ भी सामान, कुछ ऐसा एडवांटेज वाली चीज। भाई ना आर्मर था ना कुछ था, अभी अगर यहां से मरते ना सीधे खत्म ही होता गेम ये भाई। शिट ब्रो, मैं इस, देखो गाइस, ये था रीजन मैं तुम लोगों से बोला था, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, सोचो। लेकिन हम लोगों को भाई देख रहे हो क्या मिल गया है भाई, हम लोगों को रवीन मिल गई है एक तरह से, बट मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये मॉड बहुत ज्यादा हार्ड है भाई, मजाक थोड़ी ना है भाई। अभी देख रहे हो क्या कांड हुआ हमारे साथ, अगर थोड़ा सा बाई चांस भाई, मैंने अगर सोच रहे हो मेरे को अगर MLG करने की इन सब चीज़ों की इतनी आदत नहीं होती, तो अभी सीधे लप करके गिरते और यहीं पे गेम खत्म। फिर मैं बोल रहा था ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो, ऐसे चल रहा होता। लेकिन तुम्हारा भाई तो MLG कर लेता ना ब्रो, तो कर लिया। ए मॉन्स्टर हंटर गाइस, यहाँ पे बहुत सारी ग्लो लाइकन पड़ी हुई है, अगर मैं ग्लो लाइकन को तोड़ता हूँ तो मुझे नहीं मिलती है। ओ, ओ, भाई इन लोगों को दिख रहा है क्या उस
ये वन ब्लॉक मतलब वन चंक है राइट, तो हम लोगों को नीचे भी वन चंक से ज़्यादा नहीं दिखेगा। शिट भाई मैं कहीं पे लावा में ना गिर जाऊँ यार, वहीं पे गेम ख़त्म हो जाएगा गाइस। ठीक है हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं पहले। डर लग रहा है यार सच्ची बताऊँ तो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे को डर लग रहा है यार। ठीक है ओके, हम लोग सबसे पहले तो अपना बनाना शुरू करते हैं इसको। देयर वी गो। चलो भाई बहुत केयरफुली, ठीक है बहुत केयरफुली गाइस, गलती से भी कुछ भी गलत नहीं करना है ठीक है, गलती से भी। ओके ये 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 पानी प्लीज़ फैलना नहीं, थैंक यू। चलो गाइस अपना तो हम तो निकल रहे हैं भाई यहाँ से, ठीक है हम लोग जा रहे हैं सीधा नेदर की साइड को। ओके ये वाला थोड़ना पड़ेगा। ओके हम लोग जा रहे हैं सीधे नेदर की साइड को गाइस, ठीक है हम लोग जा रहे हैं सीधे नेदर की साइड को। फ्लिंट कौन लाएगा, मैं इतना गधा क्यों हूं यार, मैं फ्लिंट लाना ही भूल गया क्या। फाइनली गाइस फाइनली हम लोगों को फ्लिंट मिल गया। अब मैं अपना सारा का सारा कूड़ा सामान जो है वो फेंक देता हूँ। चलो अब हम लोगों को सीधा इसको स्टार्ट करना है और निकलना है नेदर की तरफ। चलो गाइस हम लोग निकल रहे हैं नेदर। भाई मेरे को लिटरली इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, ये चाहे दिखने का कितना भी इजी लगे ना तुम लोगों को इसको। मैं गलत जगह आ गया गाइस, मैं तो बहुत गलत जगह आ गया हूँ, मेरे हाथ में पूरे टाइम पे बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए भाई, पूरे टाइम पे भाई। शिट ये सुअर वाली जगह आ गई है यार, ये क्रिम्सन फॉरेस्ट यार। शिट ओके गाइज मैंने गोल्डन चेस्ट प्लेट पहन लिया है तो अभी के लिए तो मेरे से ये लोग लड़ेंगे नहीं। ओह यहाँ आके कुछ तो बेसाल्ट या फिर ऐसा कुछ है पता तुम्हें। ओके ये अभी के लिए मेरे से लड़ेंगे नहीं, बट हम लोगों को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा आगे। ठीक है गाइज मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, देखो सबसे पहले मैं अपनी पिकैक्स हटाता हूँ और यहाँ से ना जितने ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ले लेता हूँ पहले। ओके तो दोस्तों मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है ठीक है सामान लाते हुए, और अब आखिरकार मैं यहाँ आ चुका हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है यार इनको फार्म करने का, क्योंकि सोचो ना तुम्हें गोल्ड नहीं लाना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको यहीं पे फार्म करूँ, बट यार ये मुझे मारे ना बस यार, वो चीज़ का ध्यान देना है ठीक है। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर ये लगा देता हूँ ताकि ये मेरे पीछे पीछे से ना आ पाए। आई थिंक आई एम सेफ हियर। ओके भाई पता नहीं क्यों यार, भाई आयरन आर्मर में ना इन लोगों से इतना डर लगता है ना भाई, दो हिट में मार सकते हैं अभी मेरे को पता है। प्लीज 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 ओके यहाँ से कुछ है। यस यस ओके गाइस पहले पहले इसको मार के आते हैं चिंटू प्लेट को ठीक है। ये चिंटू प्लेट, ओ भाई ये देखो नीचे देख रहे हो भाई, मौत का सामान है यहाँ पे मजाक से अटके ब्रो। ओ यस गाइज हम लोगों को जो चाहिए था करेक्ट यही मिला इसके अंदर, हम लोगों को मिल गया है अपना गोल्ड ठीक है। पहले तो मैं सारा कूड़ा फेंक दूं जो मैं लेके आया हूँ अपने साथ। तो गाइज अब यहाँ से ना थोड़ा ध्यान से ठीक है, क्योंकि ना कहीं पर भी हम लोगों को
पॉड्स और पाउडर्स और एवरीथिंग, और बाकी हम लोग यार देखो क्या कहते हैं उसमें तो है ही, ठीक है हम लोग वॉर्ब्ड फॉरेस्ट में तो है ही। वॉर्ब्ड फॉरेस्ट में तुम लोगों को पता ही है कि क्या होता है, वॉर्ब्ड फॉरेस्ट में कितना इजीली हम लोगों को एंडरमैन मिल जाएंगे, एंडरमैन को मार के हम लोग उनकी आई वो ले लेंगे, आई ऑफ एंडर ले लेंगे, इजी लाइफ। ठीक है तो मेरे को दो मिनट दो फटाफट से, जल्दी से लेके आता हूँ मैं। शिट ये कौन मारा, अरे यार कौन मार रहा है भाई। ओके तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यार वापस यहाँ पर, ठीक है। और मैंने एक चीज़ करी हुई है, मैंने ना यार ये मेरे से चिपक रहा है यार, मेरे को पता है तू मेरे को मार देगा दो मिनट में ब्रो, मत कर यार यार। ओके तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गाइज, यार मेरे को लिटरली सात ही मिले सिर्फ, ठीक है। और मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा और सब कुछ किया, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये दिखने का इजी लगता है यार कि भाई कितना मीमजी मैम ना, एक गेम ही तो मैम, लेकिन यार लिटरली ब्रो तुम अगला चंक देख नहीं सकते हो ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है पता है तुम लोगों को। तो मैंने कैसे ना कैसे करके सात जमा कर लिए, देखो वो कहाँ खड़ा है मेरे को नहीं पता ब्रो, मैं जा नहीं पा रहा हूँ उस साइड को, देख रहे हो तुम लोग। तो मैं मेरे पास एटलीस्ट सात हो चुके हैं, मेरे को पता नहीं अगर हम लोग इसमें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं राइट। तो वो वहाँ पर है ना राइट, देखो अब मैं क्या करने लो कि मैं यहाँ पर अपने लिए एक होल बनाने लगा छोटा सा, ठीक है एक 2x2 ये रहा, ठीक है। और अब हम इसको प्रोवोक करेंगे, चल के गिर जाता ना कहीं, भाई मैं खुद को माफ नहीं कर पाता पता तुम लोगों को। हमारे पास एट लास्ट भाई एंडर पर्ल्स भी हो चुके हैं, हम लोगों के पास ब्लेज रॉड भी हो चुके हैं, हम लोग सब कुछ हो चुका है, हमें बस यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना है, ठीक है। तो गाइस जो मैंने नेदर पोर्टल बनाया था उसके मेरे को कोऑर्डिनेट्स याद है, तो हम लोग एक काम करते हैं मैं फटाफट से वहां पहुंचता हूं, मेरे को यार रास्ते में बस भगवान प्लीज यार एक क्रिमसन बायोम पड़ जाए। अब मेरे को समझ में आया कि भाई यार मैं 3 HP है, खाने को कुछ नहीं है साहब खाने को कुछ नहीं है साहब। अब पता चला भाई क्रिमसन बायोम इतना अच्छा क्यों है पता है क्या, हम लोग मतलब मैं खास करके बोलते रहे ब्रो वॉर्ब्ड बायोम इज द बेस्ट ही, भाई अब पता चला भाई वॉर्ब्ड बायोम में खाने के लिए कुछ नहीं होता गाइस, सिर्फ और सिर्फ तुमको मिलते हैं ये एंडरमैन भाई, और कुछ नहीं है अच्छा यहाँ पर लिटरली ब्रो, एंडरमैन के अलावा कुछ नहीं, यहाँ तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरे को दो मिनट दो, मैं वॉर्ब्ड बायोम से क्रिमसन बायोम पहुंचते हैं और फटाफट से फूड वूड का इंतजाम करता है, होप रास्ते में कुछ मिल जाए। मैं तो भाई मेरे को अगर बाय चांस ना जॉम्बी फाइट पिगलिन भी मिल गया मैं मार दूंगा भाई, मेरे को फूड चाहिए भाई बहुत हो गया। ओके तो दोस्तों कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो कायदे से यहीं कहीं पर होना चाहिए हमारा ये, हाँ कायदे से यहीं कहीं पर होना चाहिए। अरे ओके यार यहाँ पर कुछ है, ठीक है तो ये होना तो यहीं, ओके नाइस है ब्रो। भाई मैंने यहाँ तक का आने तक का क्या क्या देख लिया ना दोस्तों, तुमको पमता नहीं है ब्रो, ये जो रॉटन फ्लैश में खा रहा हूं ना भाई, मैंने कैसे कैसे दानव मारे हैं मैं ही जानता हूं दोस्तों, मेरा दिल जानता है, तारा भाई दिल मतलब थारे भाई का दिल, वेरी फनी आई एम एज यू। अरे भाई अभी तक डिस्पॉन नहीं हुए, लाओ यार हम लोग सबसे पहले यहां पर एक आई ऑफ एंडर फेंक के देखते हैं भगवान प्लीज कहीं पर, ये क्या था नीचे एंडरमैन थे क्या, हाँ नहीं वो पता नहीं क्या है भाई क्या क्या नहीं है बोलो, ठीक है। ये कैसे भाई मेरे पास दो दो, मेरे पास 14 14 दो हो गए व्हाट, अच्छा नहीं ओके ये क्या है भाई, ये कौन सा ग्लिच है ये सीरियसली। रुको मैं एक काम करूंगा, मैं बिल्कुल चंक के सेंटर से हाइट लेके छोड़ता हूँ, ठीक है इसको जस्ट इन केस अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो होता है, ठीक है अगर दूसरे चंक में जाके हमारी आई ऑफ एंटर जो है वो गायब हो जाती है तो हमें थोड़ा सा एटलीस्ट बेनिफिट मिलेगा कि कहाँ को गया, हम लोग हैंड टू हैंड देख सकते हैं, ठीक है देखो इस साइड पे जा रही है देख लो, ओके ये भी चंक पार नहीं कर पा रही है किस, चलो
अब हम लोग वाटर बकेट कर सकते, तो हम लोग वाटर निकाल लेते, ठीक है। और मैंने आर्मर तो सही पहना हुआ ना, हाँ भाई आर्मर ऑलमोस्ट टूटने वाला है गाइस, ड्रैगन से तो क्या ही लड़ेंगे ब्रो। ये इस साइड को जाती राइट, तो हम लोगों को बस ओहो भाई सेम गड्ढा दूसरी टाइम हो जाता है अभी, सेम गड्ढा गाइस। और मेरे को खाने के लिए भी देखना है, ठीक है। तो हम लोगों को रास्ते में जो भी मिलेगा हमें उसे मारना है भाई यार। अब हम नहीं सोच सकते कुछ भी भाई, अगर रास्ते में हमें कुछ भी दिखता है हमें उसे मारना है जस्ट बिकॉज ऑफ फूड, ठीक है। एक मिनट, हम लोग शायद से बीच पे है राइट, यस। तो यहाँ तो मछलियाँ मिल जाएंगी ना, अगर कॉड फिश मिल गई तो लेट्स गो, बोलते मिल गई हेलो मछलीज भाई। ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और उसके ऊपर से इतना कठिन भी है ना, तो भाई 2-in-1 हो जा रहा है। ऐसा 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 रोना हो रहा है ना, रोना भाई। कहाँ गया वो वापिस जा रहा है, यस। वो कुछ तो लाइट आ रही है उधर से, देखते हैं एक बारी, अगर ये हुआ ना तो मज़ा आ जाएगा ब्रो। वो एक मिनट, ये क्या है, व्हाट भाई, यहाँ पे लावा ना हो बस, यस भाई बीच पानी में। अब एक और बार ट्राई करते हैं, लेट्स डू दिस भाई। ये यहीं पर है, इसी के नीचे मैं बता रहा हूँ तुम लोग। अरे यार गाइस, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मोस्ट प्रॉबली व्हाट आई थिंक इज ये इसके नीचे ही है, पक्का ब्रो, पक्का गारंटीड भाई। भाई हमको तो एक तो आधा चंक भी दिखता है राइट, हम जब झटके में चंक में जाते हैं हमें आधा चंक भी दिखता है। मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहाँ से ना नीचे खोदना स्टार्ट करता हूँ, आई होप यहाँ पे मिल जाएगा, मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है चलो। अरे यार मैंने बिल्कुल, मैम दिमाग बहुत है ना ब्रह्म, हाँ दिमाग बहुत ज़्यादा है। चलो इसको बंद करते हैं, हाथ में टॉर्च ले लेते हैं अब। अरे यार एक तो ये ऑप्टिफाइन नहीं ना, चलो गाइस फटाफट से चलते हैं नीचे को और देखते हैं, अगर मिल गया तो मिल गया, किस्मत है भाई। अरे यार मैं गधा हूँ क्या, लावा मत गिर जाना ब्रो। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको इतनी देर से ढूंढ रहा था ना कि एकदम से ऐसी खुमसी उम गई ना ब्रो। व्हाट, ओके तो ये कठिन होने वाला है गाइस अकॉर्डिंग टू मी। ओ शिट नहीं भाई, हेलो भाई हंड्रेड ड्रैगन। ओ यार इनके, अब यार इनके आंखों में भी नहीं देखना यार, छी यार ये बहुत कठिन होने वाला है भाई, मेरे को एक एक ये फोड़ना भी है ठीक है। एंड शायद से यस मैम, बहुत समझदार हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा समझदार हूँ यार। ये ड्रैगन ओ ओ अरे यार एक तो मैं गधा भी तो लगी हूँ ना भाई, कैसे क्या है मैंने वो व्हाट, हम लोग को दो चंक दिख रहे हैं ब्रो अब। ओके नाइस, देखो हम लोगों ने यार एक तो गधे है ना,
भाई मैं उसको मार रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने उसके अभी तक का वो तोड़े ही नहीं है, क्या फायदा होगा उसको मार के यार। भाई भाई ये बहुत लंबी फाइट होने रही, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ भाई, मैं मस्त इधर सोने वाला। चोर आदमी ड्रैगन कुछ है क्या यहाँ पर? ओके नाइस भाई, मैं नहीं लड़ रहा तेरे से भाई, ये बहुत आरामी है भाई, बेफालतू की दिखा रहा है कि मैं आ रहा हूँ पिटने के लिए और वहाँ पर फिर इसके ये बचा ले रहे हैं इसको। भाई मेरे को बहुत सारे ब्लॉक्स जमा करने पड़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ओके सबसे पहले तो मैं यार ये तोड़ता हूँ, अगर ये हरामखोर तोड़ने देगा तो। एक ये क्या है, ये क्या है ये बताओ मेरे, ये देखो गायब हो गया। ओके तो गाइस मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी आँख देखो, मेरे को नींद आ गई थी भाई, ये इतना ज़्यादा लेंदी और इतना बोरिंग सा काम था ना भाई, फर्स्ट टाइम मतलब मेरे को यार सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो बूम बाम लगता था उसमें सबसे ज़्यादा बोरिंग था यार ये आखिरकार। बट हमने सारे के सारे तोड़ दिए, अब तुम लोग देख रहे हो ड्रैगन की एचपी नहीं बढ़ रही है ठीक है, और अभी हक दिया था ऑलमोस्ट मैंने, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं लिटरली इतना बोर हो चुकी कि अगर मैं मर गया ना तो मैं ट्राई नहीं करने वाला दोबारा भाई, मतलब ये मोड इज लाइक ओके हार्ड एंड एवरीथिंग बट लाइक बोरिंग भी है ये मोड ठीक है। तो देखते हैं, ओ ड्रैगन आ रहा है आई गेस, यस ड्रैगन आ रहा है। नाइस भाई इसको कुछ भी नहीं हुआ, और ये क्या बन गया भाई, उसको लिटरली थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ। भाई यार ये देखो यार तुम, एक उससे ज्यादा तो मैं दूर छटका हूं। सर एक फोटो और सर, हाँ यस आता है क्योंकि नहीं नहीं बिल्कुल ओके। चलो भाइयों गोल्डन एप्पल खाने का टाइम, अच्छा नहीं नहीं गोल्डन एप्पल नहीं अभी, नहीं अभी गोल्डन एप्पल नहीं अभी, अपना एब्जॉर्प्शन सही है भाई। आधी एचपी कर दिया हम लोगों ने उसको 2 मिनट में, देख रहे हो बेटा तू दोबारा आ जा नीचे एक बार, मैं बता दूँ तेरे को आज जरा। ओके तो दोस्तों एक लास्ट टाइम ये नीचे आएगा ना तो हम इसको एक लास्ट फेटल ब्लो देंगे ठीक है, और शायद से ये ख़त्म हो जाएगा बट पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तो इसने मेरे को हवा में उड़ा दिया था अपने पास आते ही। हम लोग को इस बार ही ध्यान देना है कि ये अगर नीचे आता है तो हम इसको पेलना है भाई कैसे भी। अब आ रहा है क्या नीचे, आ रहा है शायद से नीचे आ रहा है, यस मुँह में झाग बना मतलब नीचे आ रहा है बॉयज, जहाँ को भी मुँह करेगा वहीं पर जाऊँगा भाई, मुँह से बहुत गंदा मारता है तो इसलिए इसको मुँह कर लेंगे। भाई तुम ही रख लो एक्सपीरियंस भाई, मैं आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कभी वन चंक नहीं खेलने वाला, बाय गॉड कह रहा हूँ भाई, मैंने तो हाथ जोड़ दिया है भाई इससे, मैं गलती से भी अपनी ज़िंदगी में कभी वन चंक नहीं खेलने वाला भाई। अपार्ट फ्रॉम चैलेंजिंग लाइक ठीक है भाई चैलेंजिंग, ओ माई गॉड अगले चंक में कुछ दिखता नहीं है और एकदम से जाना पड़ता है और एकदम से दिखता है भाई, इट्स बोरिंग भाई मैं सच्ची बताऊँगा। लाइक वन चंक ना ऐसा था कि एक टाइम तक मेरे को मज़ा आ रहा था फिर, लेकिन उसके बाद पता है जब मेरे को खास करके जब मेरे को सारे के सारे एंड क्रिस्टल तोड़ने पड़े भाई, मेरे को लिटरली एंड क्रिस्टल्स के पास जाके मेरे को एक 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 उसमें एक चंक से जाके दूसरे चंक में जाके देखना पड़ रहा था, वरना वो दिख ही नहीं रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा बीटी थी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने कर दिया ब्रो एंड दैट काउंट्स मेरे दोस्तों। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि यार मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा तो मैं नहीं बोलूँगा बट सदा जैसा लगा ये, और बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, लाइक लिटरली मेरे को कम से कम नहीं तो 3 से 4 या 5 घंटे भी हो गए होंगे शायद से रिकॉर्ड करते हुए सिर्फ एक बार माइनक्राफ्ट को बीट करने में, वो भी इतने ईजी तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना कि सीधे जा रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बिल्ड कर रहे हैं या फिर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो यार लिटरली भाई मेरे तो एकदम हाथ खड़े हो चुके हैं इसको लेके, बट यस मज़ा ज़रूर आया, और अगर आप लोगों को भी आएगा तो प्लीज़ लेट मी नो जो भी आपका फेवरेट पार्ट था, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो गाइस इस वीडियो को, बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक गोल हम लोगों का है 1.5 लाख लाइक्स का, और जो भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो गाइस, 8.5 लाख होने को जा रहे हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अभी जाके एडिट मारता हूँ कल दिन में मतलब आज जो तुम 9 बजे देख रहे होगे, भाई मैंने क्या सोचा था और ये क्या हुआ भाई, गुड नाइट गाइज़।